गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑल द स्टूडेंट्स. आज हम क्लास ट्वेल्थ का स्टार्ट करते हैं. क्लास ट्वेल्थ के हम दो चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड. सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर टेन. ठीक है, चैप्टर टेन जो है इसका अपना नेम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ठीक है, यानी कि माइक्रोब्स हमारे ऑल अराउंड हैं, बट उनमें से कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए फ्रेंडली हैं. ठीक है, तो हम उनके बारे में इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. तो बेसिकली पहले हम स्टडी क्या करेंगे इसके अंदर, कि वो माइक्रोब्स जो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं. हाउस होल्ड प्रोडक्ट का मतलब जैसे कि कर्ड है, ठीक है, कर्ड बनाते हैं हम लोग उसमें यूज़ करना, या फिर डव जो हम बिस्किट्स के लिए, या फिर हम लोग ब्रेड के लिए जो आटा लगाते हैं जो बेकरीज वाले, उसके बारे में स्टडी करेंगे. चीज़ मक्खन पनीर जो है, ठीक है, ये कुछ कॉमन है जो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे. इंडस्ट्रियल पे हम लोग बेसिकली जो है वो हम स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल बेसिस के ऊपर, एंटीबायोटिक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, जो हमारी बेवरेजेस हैं इनकी ड्रिंक्स जो हैं, ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, उनकी फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है. इसके अलावा जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है, और एंजाइम्स हैं, आर्टिफिशियल एंजाइम हम बॉडी के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, और कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज ट्रीटमेंट आप लोगों ने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा कि वेस्ट जो हमारे हाउसेस से जो सीवेज का वाटर निकलता है हम उसको ट्रीट करते हैं. ट्रीट का मतलब उसको प्योरीफाई करते हैं, फिर हम उसको जो है आगे फॉरवर्ड कर देते हैं अदर पर्पसेस के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके स्पेशल दो ट्रीटमेंट स्टडी करेंगे. एक इसके अंदर आएगा हमारा प्राइमरी और एक इसके अंदर आएगा हमारा सेकेंडरी. ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ये आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी कर रखा होगा कि प्रोडक्शन बायोगैस का प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं. उसके बाद जो नया टॉपिक है जो बिल्कुल आपके लिए डिफरेंट होगा वो है माइक्रोब्स को एज अ बायो कंट्रोल एजेंट हम कैसे यूज़ करते हैं. बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब कि जो लिविंग मैटर है उस लिविंग मैटर को ही, एक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम दूसरे ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ में कैसे यूज़ करते हैं. और लास्ट में आ जाएगा बायोफर्टिलाइज़र. बायोफर्टिलाइज़र देखो जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, रूट नोडल्स में रहता है, ठीक है, तो ऐसे ही अदर ऑर्गेनिज़म्स की हम स्टडी करेंगे जो फर्टिलाइज़र फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस बिगिन विद द मेन टॉपिक. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेयर द माइक्रोब्स आर फाउंड. जो माइक्रोब्स हैं ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई फिक्स एरिया नहीं है इनकी अक्रेंस का. ठीक है, ये सॉइल में भी मिलते हैं, वाटर में भी हैं, स्नो में भी हैं, एसिडिक मीडियम में भी मिलते हैं, एनीवेयर. ठीक है, तो ऑन दैट बेसिस हम इसके अंदर एक वर्ड लिखते हैं कि हर जगह मिलते हैं. तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है हमारे साइंटिफिक टर्म में जिसको बोला जाता है यूबिक्यूटियस. ठीक है, यानी कि वो कैटेगरी जो हर जगह मिलती है. ठीक है, इसकी वैरायटीज़ कौन सी हो जाएंगी हमारे लिए, जैसे प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, फंगी है, या प्लांट वायरसेस जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे. उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं हाउस होल्ड वायरसेस का, कि हमारे हाउस होल्ड जो वायरसेस हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, सॉरी हाउस होल्ड प्रोडक्ट कौन कौन से हो जाएंगे जो हम इसके अंदर जो है बेसिकली अपना स्टडी करते हैं. तो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर अगर हम इसमें लें तो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहला जो आता है वो अपना आता है कर्ड. ठीक है, कर्ड आएगा सबसे पहले. ठीक है, तो कर्ड बनती किससे है, कर्ड बेसिकली अपनी ये बनती है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से. ठीक है, ये देखिए किससे बनती है हमारी, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के फॉर्म्स आपको पता है कि बैसिलस कैसा होता है, ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये होते हैं हमारा बैक्टीरिया का, और उनको हम किसका नाम देते हैं, बैसिलस का. इसको हम LAB भी लिखते हैं क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टिक एसिड. ठीक है, तो LAB का यहाँ पर जो मीनिंग है वो हो जाएगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. ठीक है, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ लैब, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. लैब नॉर्मली हम किसको यूज़ करते हैं, जो हमारी लेबोरेटरी होती हैं. ठीक है, बट वो लैब नहीं है, ये लैब कौन सी हो जाएगी हमारी, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के लिए. ठीक है,
कर्ड की फॉर्मेशन जब हम लोग करते हैं, यानी कि दही जब जमाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें स्मॉल अमाउंट हम लोग कर्ड का ऐड करते हैं, वो स्मॉल अमाउंट जो कर्ड का हमने ऐड किया है दैट इज कॉल्ड एज द स्टार्टर, या उसको बोला जाता है इनोकुलम। ठीक है, अगर हम उसके अंदर वो नहीं डालते हैं तो वो प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं होती। अब ये रीज़न आता है कि भी हमने उसको डाला तो उसमें के अंदर क्या था, एक्चुअली उसके अंदर ऑलरेडी जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं हमारे वो प्रेजेंट थे, जो ब्लड की कोगुलेशन को उसके जमने में, उसका थक्का बनाने में ईजिली हेल्प करते हैं। लैक्टिक एसिड जो है, यानी कि हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करेगा क्या, ये मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है कैसीन को, उसको डाइजेस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ रेनिन एंजाइम एंड कन्वर्ट इन टू द क्लॉट्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं कि जैसे यॉर्क कर्ड का आता है कि भी मार्केट के अंदर यॉर्क कर्ड भी मिलती है, तो यॉर्क कर्ड एक दूसरी वैरायटी के बैक्टीरिया से हम इसी फॉर्मेशन करते हैं, वो है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। यहाँ पे देखो, कोकस का मतलब सर्कुलर फॉर्म के जो हो गए, थर्मोफिलस का मतलब जो वो कैटेगरी होती है बैक्टीरियाज की जिनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता, यानी कि जिनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो वाइड वैरायटी ऑफ टेम्परेचर को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमारा और आता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस है, इसके अलावा लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, ठीक है, इसका भी यूज़ हम करते हैं इसके अंदर। उसके बाद आता है बटर मिल्क, बटर मिल्क के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ठीक है, ये कुछ हमारे स्पेसिफिक नेम आ जाते हैं। बेनिफिट क्या है हमारा लैब का, यानी कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो उनका हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है। सबसे पहले तो क्या होता है कि लैक्टिक एसिड जो है हमारा, ये विटामिन B12 प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, विटामिन B12 प्रोड्यूस करवा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर कि B12 जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, लोअर क्लासेस में आपने किया होगा, इसका साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबालमिन। ठीक है, ये कोबालमिन, जो कोबाल जो वर्ड है ये यूज़ किसी लिए कर रखा है, कोबाल्ट के लिए, क्योंकि इसके अंदर मेन कंटेंट कौन सा एलिमेंट होता है हमारा, कोबाल्ट। ठीक है, और जो विटामिन B12 है ये DNA सिंथेसिस में हेल्प करता है और नेचुरली अकरिंग जो बैक्टीरियाज हैं उनकी फॉर्मेशन करवाता है। तो नेचुरल अकरिंग जो बैक्टीरिया हैं, ये जो बताया जाता है किसके फॉर्मेशन में है, वो इसका आता है लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस का, बट ये ज़्यादा क्लियर नहीं है कि भाई और किस किस की फॉर्मेशन कराता है। उसके बाद कोबाल्ट का क्या फंक्शन है, जो विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट ये एक्ट करता है ऐसे कोफैक्टर। ठीक है, ये आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के किया कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं हमारे। उसके बाद दूसरा हमारे स्टमक के अंदर, हम बोलते हैं हमारे स्टमक के अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, तो लैक्टिक एसिड जो होता है वो उन बैक्टीरियाज को, उन माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उसको चेक करता है कि डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया कितने हैं बॉडी के अंदर, कितने नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डव, यानी कि सिंपल जो हम लोग आटा लगाते हैं फॉर स्पेशली द बेकरीज। ठीक है, तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो ब्रेड के अंदर हम जो बेकरीज के अंदर यूज़ करते हैं बेकर ईस्ट, जो हम कॉमनली बोलते हैं बेकर ईस्ट, वो होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसेस। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करने का क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस करवाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, किसी भी चीज़ को ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे स्वेल अप करा देगा, पफी नेचर दे देगा, फूल जाएगा स्पंज की तरह। ठीक है, तो पफी नेचर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, और कॉमनली हम इसको डोसा, इडली और हमारे ब्रेड्स हैं, बिस्किट्स हैं, वो सब कुछ प्रिपेयर करवाने में हेल्प करवाते हैं। नेक्स्ट आता है टोडी। ठीक है, टोडी जो है ये साउथ इंडियन की ड्रिंक है। ठीक है, ये वहाँ पे लगा लो आपकी जैसे देसी जो उनका अल्कोहल है। ठीक है, तो उस फॉर्म में जो है वो इसको यूज़ करते हैं। इसमें स्पेशली क्या करते हैं कि जो पाम प्लांट है, जो पाम ट्री है सॉरी, और कोकोनट जो ट्री है, ठीक है, इनकी जो सैप है, सैप किसका यूज़ करते हैं कि इनकी जो स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस जो होती है, उस इन्फ्लोरेसेंस का सेल सैप यूज़ करके उसकी फर्मेंटेशन कराते हैं और उससे ये जो है वो ड्रिंक जो है अपना प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है चीज़। ठीक है, चीज़ क्या होता है, पार्शली डिग्रेडेशन ऑफ द मिल्क, पूरी तरह से मिल्क को ख़राब नहीं हुआ, लेकिन हम क्या करते हैं उसके अंदर, नॉर्मली घरों में क्या बनाते हैं हम लोग, थोड़ा सा नींबू डाले या कुछ और उसके अंदर हमने थोड़ा सा ऐड किया और दूध फट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शली डिग्रेडेशन ऑफ द मिल्क। ठीक है, नॉर्मल जो हम फॉर्म करते हैं चीज़ वो सबको पता ही है, कुछ यहाँ पे हम स्पेशल का नाम देखते हैं। यहाँ पे एक होता है स्विस चीज़, स्विस चीज़ जो है ये बैक्टीरिया से फॉर्मेशन होता है, जिसका नाम होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, यानी कि शर्माता बहुत है। ठीक है, तो इससे याद रख लेना कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी साइंटिफिक नेम है किसका, स्विस चीज़ का। ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा, इसका मेन होता है कि इसके अंदर
कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस प्रोडक्शन होने की वजह से उसके अंदर जो चीज़ है उसके स्ट्रक्चर के अंदर होल्स प्रोड्यूस होती हैं ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आता है रोगीफोर्ट चीज़। रोगीफोर्ट चीज़ फंगस का यूज़ होता है, ये बात नोटिस करें आप लोग यहाँ पे कि स्विस चीज़ किससे बन रही है, हमारा बैक्टीरिया से बन रहा है, और रोगीफोर्ट चीज़ किससे बन रही है, हमारी फंगी से बन रही है। कौन सी फंगी से बन रही है? पैलीसियम रोगीफोर्टी। रोगीफोर्टी जो ये है, इस वजह से ही इसका नाम क्या रखा हुआ है, रोगीफोर्ट चीज़। इसका फ्लेवर जो होता है वो बाकी सारे जो चीज़ हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसीलिए जो है इसको हम नाम रखते हैं रोगीफोर्ट चीज़ का, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कई बार हम लोग जाते हैं तो जो कंटेंट होता है इसके अंदर, क्या बोलते हैं, बेसिकली चीज़ के अंदर, कई बार चीज़ हमें सॉफ्ट मिलता है, कभी चीज़ थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है, या कभी होता है सेमी सॉफ्ट सा, कि ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा लूज़, थोड़ा सा बीच का, ठीक है। तो सॉफ्ट चीज़ जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि ये जो ईस्ट के एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो ग्रो कर जाते हैं उसमें, तो उस वजह से जो चीज़ है वो थोड़ा सॉफ्ट बन जाता है, और उसके अंदर वाटर का कंटेंट भी हाई हो जाएगा। हार्ड चीज़ जो होता है इसके अंदर क्या होगा कि लैक्टिक एसिड जो हैं उसका कंटेंट हाई हो जाता है, और लैक्टिक एसिड का कंटेंट हाई होने की वजह से उसकी जो वाटर कंटेंट है वो रिलीज़ हो जाती है, यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज़ होते हैं जो वाटर को उसमें से रिलीज़ करवाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और सेमी सॉलिड या सेमी सॉफ्ट चीज़ कौन सा हो जाएगा हमारा, वो चीज़ जो दोनों की इन बिटवीन का है, ठीक है। सॉफ्ट होगा जैसे कर्ड, हमारी दही जैसे सॉफ्ट होती है, यानी कि बहुत अगर अच्छी दही जमी होती है तो थोड़ी गाढ़ी सी बन जाती है, उस तरीका का ये उस तरीके से होता है हमारा। तो तीन चीज़ के हम लोग यहाँ पे नाम लिखते हैं, एक होता है सॉफ्ट, एक हार्ड, और थर्ड वन कौन सा बताया मैंने अभी आपको, सेमी सॉफ्ट। ये तीन चीज़ जो हमारे बनते हैं। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल यूज़ कि भी हम लोग इंडस्ट्रियल यूज़ में क्या करते हैं। तो इंडस्ट्रियल यूज़ का आप लोग देखें, इसके अंदर इंडस्ट्रियल यूज़ में जो लार्ज टैंक्स हैं हमारे, जिनके अंदर हम लोग फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैरी ओवर करते हैं, उनको नाम दिया जाता है किसका, फर्मेंटर्स का, ठीक है। अब फर्मेंटर जो लिक्विड्स हैं उन लिक्विड्स को हम लोग नाम किसका देते हैं, बिवरेजेस का, ठीक है, इसलिए उनको नाम दिया जाया है फर्मेंटेड बिवरेजेस। इसके अंदर बेसिकली जो हमारी सीरियल्स हैं उनको, फ्रूट जूसेस हैं उनको हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, फ्रूट जूसेस वगैरह को, और इसके अंदर हमारा जो है यूज़ करने का जो मेन है वही ईस्ट है हमारा, सैक्रोमाइसिस सर्विसेस, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस के अंदर भी किया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, अल्कोहल होता है, ठीक है। जो फॉर्मेशन है इसकी वो डिपेंड करती है अलग अलग मेटल के ऊपर, सॉरी रॉ मटेरियल के ऊपर, कि हमने कौन सा रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ किया है, ठीक है। यानी कि अल्कोहल के अंदर क्या कुछ है, अब इसके अंदर जैसे एक आता है हमारा कि हम लोग बोलते हैं कि वाइन है, बियर है, ठीक है। नॉर्मली बोलते हैं कि बियर जो होती है वो ज़्यादा अल्कोहलिक कंटेंट नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं, बियर के अंदर हम लोग उसकी डिस्टिलेशन करा देते हैं, प्रॉपर डिस्टिलेशन, जिसके वजह से उसका अल्कोहलिक कंटेंट रिड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट आते हैं, जैसे इसके अंदर है हमारा विस्की है, ब्रांडी है, रम है, ये कुछ अलग अलग कैटेगरीज इसके अंदर हमारी आती हैं। तो विस्की, ब्रांडी, रम वगैरह जो यूज़ की जाती हैं, इनके अंदर क्या होता है कि बेसिकली इनके अंदर हम लोग अल्कोहल का कंटेंट जो है वो अल्कोहलिक कंटेंट, ठीक है, अल्कोहलिक जो कंटेंट होता है इसका वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो होगा वो देखिए यहाँ पे आप लोग, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि जो ब्रांडी है, ठीक है, ब्रांडी के अंदर 65-70% जो है वो अल्कोहल प्रेजेंट है, रम के अंदर 40% है, ठीक है, गिन एक और होती है फॉर्म इसकी, उसके अंदर भी 40% होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट अपना एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक की हिस्ट्री आप सबको पता है कि एंटीबायोटिक जो है डिस्कवर किसने किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली जो डिस्कवरी की थी वो किसके ऊपर की थी, अपनी पेनिसिलियम पे, और जो उसने यूज़ किया था वो कौन सा था, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहले इसकी डिस्कवरी आती है। और ये वर्क किसके ऊपर कर रहा था, ये वर्क कर रहा था सिफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे, ठीक है, उसका जो ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड ग्रो हो रहे थे इसने उनको स्टडी किया था, पेनिसिलियम को, और उसके बाद इसने ये जो है
अपनी जो पेनिसिलियम जो थी ये इसने ड्राइव की थी। ठीक है, पेनिसिलियम तो इसने बताया, इसने एंटीबायोटिक के बारे में बताया, लेकिन उसका प्रॉपर फंक्शन क्या है एज अ बायो एज अ एंटीबायोटिक, वो आनस चेन ने और हॉवर्ड फ्लोरी, ठीक है, ये देखें आनस चेन और हॉवर्ड फ्लोरी, इन्होंने जो है उसको यूज़ किया था। और इसके लिए इनको जो है 1945 में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, इनको उसके लिए नोबल प्राइज़ भी जो है वो प्रोवाइड किया था। ठीक है, एक और हमारी डिस्कवर की थी एल्बर्ट वैक्समैन ने 1943 में, ये कौन सी थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो एक और थोड़ी सी लिस्ट देख लेते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स की, उनके सोर्स की, कि कहाँ से हम उसको उनको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा है क्लोरामफेनोल, क्लोरामफेनोकोल, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस जो वर्ड है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए यूज़ हो रहा है इनमें सभी में, स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुएली, ये टाइफॉइड वूफिंग कफ, ठीक है, वूफिंग कफ जिसको काली खांसी बोलते हैं हम लोग, उसमें हम इसको जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद इथ्रोमाइसिन, ये डिस्कवर किससे करते हैं हम लोग, किससे ऑब्टेन करते हैं, इसका सोर्स क्या है इसका, स्ट्रेप्टोमाइसिन एथ्रिरस, उसी से इसका नेम हमने ऑब्टेन कर रखा है डिप्थीरिया के लिए। उसके बाद आता है क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरोमाइसिटीन जो है ये है लेवेंडुले, ठीक है, निमोना के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, जो भी थोड़ी देर पहले बताया है, ये किससे ऑब्टेन की थी उन्होंने, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिसरस से, ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए, निमोनिया के लिए, दोनों के लिए यूज़ होती है। लास्ट वन है इसके अंदर हमारी बैकिट्रेसन, ये बैसिलस के जो लेकिनीफॉर्मिस, ठीक है, बैसिलस लेकिनीफॉर्मिस जो है उससे ऑप्रेन की थी, ये सिफिलिस के लिए यूज़ करते हैं। सिफिलिस आपको पता है कि ये फीमेल का जो जेनाइटल ट्रैक होता है, ठीक है, ठीक है, ये जेनाइटल ट्रैक का मतलब कि उसका जो वजाइना है, उसका जो सर्विक्स वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बैक्टीरिया ग्रो करता है, उसके अंदर डिजीज़ कॉज करवाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ आता है कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ क्या, एंटीबायोटिक्स का यूज़ क्या हो जाएगा हमारा, मेन एंटीबायोटिक्स को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारे कैन फूड होते हैं, ठीक है, यानी कि जो पैक्ड फूड आते हैं उनके अंदर प्रिजर्वेटिव की तरह भी हम उनको जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स हम लोग कौन कौन से प्रोड्यूस करवाते हैं इनका यूज़ करके, ये थोड़ा सा फोकस हो रहा है आपका, एक सेकंड थोड़ी, ये अल्कोहलिक का आ गया अपना, ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं अल्कोहलिक के अंदर कि एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड जो हमारी यूज़ होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड के अंदर हमारा सबसे पहला जो आ रहा है वो है सिट्रिक एसिड, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वही कॉमन है इसके अंदर। सिट्रिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस से, फर्मेंटेशन किसका कर रहे हैं हम लोग, एस्परजिलस नाइगर का या म्यूकर का भी यूज़ करते हैं। फंगी जो है ये माइक्रोब है जिससे हम इसको ऑब्टेन करते हैं, सोर्स हो गया हमारे लिए जिससे ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एसिटिक एसिड या विनेगर हम जिसको बोलते हैं, ये एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये बैक्टीरिया है जिससे हम इसको ऑब्टेन कर रहे हैं। बिटारिक एसिड कोलोस्ट्रियम बिटारिकम, ये बैक्टीरिया से ऑप्टेन हो रहा है। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस की स्पीशीज से ऑप्टेन हो रहा है। और हम लोग पहले कर चुके हैं कि जो इथेनॉल है हमारा, ठीक है, वो किससे ऑप्टेन होता है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज से, ठीक है। तो ये एक सिंपल टेबुलर फॉर्म है, ये आपको लर्न करना पड़ता है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर अलग अलग एंजाइम्स के लिए, कि हमारे अलग अलग एंजाइम्स जो हैं वो कौन कौन से जो हैं वो यूज़ होते हैं इसके अंदर। तो एंजाइम्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो एंजाइम में जो हमारा आता है, एंजाइम के अंदर ये देखिए आप लोग, इसके अंदर है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कॉमर्शियली यूज़ करते हैं, इनको ज़्यादा बनाते हैं। लाइपेज है जो कैंडिडा लिप्टोटिका से हम यूज़ करते हैं, इसको डिटर्जेंट में यूज़ किया जाता है। डिटर्जेंट के अलावा हम लोग अपने कपड़ों को जो है देते हैं लॉन्ड्रीज के अंदर, ठीक है, ये आज थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकेंड लेट मी क्लियर दिस, अब शायद थोड़ा क्लियर होगा ये।
ये एक सेकंड थोड़ा सा, अब हाँ जी ये देखिए अब इसके अंदर अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। ये इसमें कैंडिड लिपोटिका, ठीक है, इसे हम ऑब्टेन करते हैं, क्या बनाते हैं, किसके अंदर यूज़ कर रहे हैं हम इसको, डिटर्जेंट्स के अंदर, ठीक है, डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है ये। देखिए इसके मैं हाईलाइट करती हूँ इसके फंक्शन थोड़े से आपको, ये किस में यूज़ हो रहा है, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में। इसके अलावा जो स्टेन्स हैं, ऑयली स्टेन्स होते हैं, कई बार हम लोग करते हैं भाई घर पे नहीं निकले इनको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ड्री में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉन्ड्री में लाइपेज जो एंजाइम है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो आता है एंजाइम वो है हमारा पैक्टिनेज और प्रोटीज, ठीक है। पैक्टिनेज और प्रोटीएज जो है वो करता क्या है बेसिकली, कि हमारा जो प्रोटीएज जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन्स को और पॉलीपेप्टाइड क्या होती है, हमारी चेन होती है प्रोटीन्स की, ठीक है। यानी कि ये एक अमीनो एसिड आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये ऐसे एक चेन बन गई। तो चेन ऑफ जो प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बना हुआ है हमारा, अमीनो एसिड से, ठीक है। तो इसकी जो चेन बनती है हम उसको किसका नाम देते हैं, पॉलीपेप्टाइड, जो चेन बन रही है इसकी हम उसको नाम देंगे पॉलीपेप्टाइड चेन का, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड की ब्रेकेज करने में ये हेल्प करते हैं। उसके बाद अगर इसका यूज़ अगर हम देखें तो इसका यूज़ क्या होता है, इसका बेसिकली यूज़ होता है क्लेरिफाइंग द बॉटल जूस, ठीक है। जो हमारे पैक्ड जूसेस आते हैं बॉटल के अंदर तो वो बड़े क्लियर होते हैं, उनके अंदर कोई भी हमें डस्ट पार्टिकल्स नहीं मिलते, तो वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन कॉफ़ी जो होता है उसके अंदर भी इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है इसके अंदर देखो एक वर्ड लिखा हुआ है स्पेशली, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, कि हम किसी दूसरे प्रोडक्ट को, ठीक है, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज अ वेक्टर यूज़ किया और उसका कुछ पार्ट, दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसका पार्ट डिफेक्टिव है उसके डिफेक्टिव पार्ट को उस पहले वाले ऑर्गेनिज्म के पार्ट से रिप्लेस करवा दिया। तो ये आता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, जो हम लोग यूनिट फोर्थ के अंदर स्टडी करेंगे सारा, ठीक है। और इनको बेसिकली ऐड कैसे करवाया जाता है, ऐड कराने का इनका जो एक प्रॉपर मेथड जो होता है जिसके थ्रू हम इसको ऐड कराते हैं वो होता है टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर्स, ठीक है। इनका एक और नाम होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज का, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, यानी कि TPA इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंट्रावेस्कुलर जो फिब्रीन प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करवा देते हैं, ठीक है। अब इसका हम फंक्शन देखते हैं, इसको यूज़ किया जाता है क्लॉट ब्लस्टर के अंदर, ठीक है, जो क्लॉट्स बन जाते हैं ब्लड वेसल के अंदर। हम बोलते हैं हमारी नसों में जो है किसी किसी पर्सन के नसों के अंदर खून जमना शुरू हो जाता है, थक्के बन जाते हैं उसके, तो उसको रिमूव करने में हम इसको जो है यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा ये मायोकार्डियल जो इन्फेक्शंस हैं, यानी कि जिन पर्सन को ब्लॉकेज हो जाती है उनकी आर्टरीज और वेन के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनके अंदर हम इनको जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ये इन्वर्टेज, ठीक है। इन्वर्टेज मतलब उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। इन्वर्टेज जो होता है ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं कन्फेक्शनरीज के अंदर, ठीक है। समर सीज़न है तो आइसक्रीम्स बहुत पसंद है हम लोगों को, तो आइसक्रीम्स की फॉर्मेशन के अंदर हम इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो हैं ये देखिए, बायो का मतलब क्या हो गया, लिविंग, ठीक है, यानी कि लिविंग फॉर्म के अंदर जो एक्टिव रहें हम उनको नाम देते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर एक आता है हमारा ट्राइकोडर्मा, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये देखिए ये है हमारा जो नाम है ये है ट्राइकोडर्मा साइक्लोस्पोरिने का ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम, ये फंगस से प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। ये हम यूज़ करते हैं एज अ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। एक पर्सन का मान लो हम बोलते हैं कि हमने क्या करवाया, हमने करवाई किसी पर्सन की किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। जब किसी पर्सन की किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं तो नेसेसरी नहीं है कि उस पर्सन का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट करे, तो उस पर्सन का यानी कि
ए पर्सन से हमने किस में डाला है, बी पर्सन के अंदर किडनी डाली है, तो उस बी पर्सन का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको सप्रेस करना, दबा के रखना, ताकि वो उस किडनी को एक्सेप्ट करता रहे, उसके लिए हम इसको जो है बेसिकली यूज़ करते हैं, किसको, साइक्लोस्पोरिन ए को। उसके बाद आता है स्टैटिन। स्टैटिन जो है ये फंगस, ये भी फंगस से प्रोड्यूस हो रहा है अपना, मोनास्कस परपरस से। ये ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करता है, यानी कि जो मेडिसन्स आती हैं जिनको, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करती हैं, उनके अंदर हम बोल सकते हैं कि इसको जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है अभी नेक्स्ट हमारा सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। नॉर्मली सीवेज क्या होता है, हमारे हाउसेस से जो वेस्ट निकलता है, म्यूनसिपल वेस्ट हम जिसको बोलते हैं, इंक्लूडिंग द ह्यूमन एक्सक्रीटा, हम उसको बोलते हैं सीवेज। इसके ट्रीटमेंट की नेसेसिटी क्या है, एक तो उसके अंदर एक्सेस के अंदर देखो क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। दूसरा पैथोजेनिक माइक्रोब्स उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर हम इसको डिस्चार्ज करते हैं किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, तो उसको एक्सेस में पॉल्यूट कर देगा, तो उस पॉल्यूशन से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको ट्रीट करना पड़ता है। और इनके स्पेशल प्लांट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या नाम होता है उनका, STPs, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। उसके अलावा देखो, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के अंदर किया था कि गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये भी किस लिए किया था, कि उन दोनों जो हमारी मेन रिवर्स जो हैं हमारी, ये ठीक है, इन रिवर्स के अंदर बेसिकली जो डिस्चार्ज हो रहा था उसको थोड़ा सा ट्रीट करके, उसके अंदर से वेस्ट वगैरह रिमूव करके अगर उसको डाला जाए तो वो लेस हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर हमारा जो है वो आ जाएगा बेसिकली, अगर हम देखें इसके बारे में, तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं बाय लिटिल स्टेप बाय स्टेप, कि प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर जो ट्रीटमेंट होता है वो फिज़िकल होता है। फिज़िकल क्यों बोला है, कि इसके अंदर हम लोग फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन का प्रोसेस जो है वो टेक ओवर करते हैं, कि फिल्ट्रेशन कराया फिर सेडिमेंटेशन का प्रोसेस करवाया, ठीक है। फिल्ट्रेशन के लिए बड़े बड़े फिल्टर्स का हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी छलियाँ लेते हैं, फिल्टर करते हैं, उसके अंदर पॉलीथिन्स वगैरह जो लार्ज स्टोन के पार्टिकल्स, वो पहले से उसमें से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसकी सेटलिंग करा देते हैं, कुछ टाइम के लिए हम उसको छोड़ देते हैं सेटल, जो टैंक होता है उसके अंदर। उससे क्या होगा कि जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, जो फिल्टर आउट नहीं हो पाए, माइन्यूट साइज़ के थे, वो उस दे कुछ टाइम के लिए नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशंस की अगर बात करते हैं, इसके अंदर कोलाइडल सस्पेंशन सॉल्यूशन की, अगर उसको कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो पार्टिकल्स नीचे सेट हो जाते हैं, लाइकवाइज आप वैसा इसके अंदर जो है लगा सकते हैं। और सेटलिंग के लिए कई बार क्या होता है कि एल्युमिनियम या आयरन सल्फेट का जो है हम लोग यूज़ करते हैं प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसको बायोलॉजिकल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं बैक्टीरियाज का, ठीक है। बैक्टीरिया क्या हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें जो लास्ट हमारी सेटलिंग हुई, सेटलिंग होने के बाद जो हमारा टैंक था उसमें हमने क्या किया, वाटर को फिल्टर करके आगे पास कर दिया, तो जो प्राइमरी जो पार्ट था उसमें से, यानी कि जो उसके अंदर हमने एंटर करवाया सबसे पहले, जो भी गंदा पानी जैसे भी आ रहा था वो प्राइमरी स्लज है, ठीक है, उसको हमने एंटर करवाया, फिल्टर करवाया, फिल्टर करने के बाद जो हमने आगे पास आउट कर दिया वो था हमारा प्राइमरी एफ्लुएंट, ठीक है। इसका जो सुपरनेटेंट बचता है, यानी कि जैसे मान लो उसके अंदर पॉलीथिन्स के पार्टिकल बच गए, सॉइल के पार्टिकल्स बच गए, उनका हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग यूज़ करते हैं किसके अंदर, लैंड फिलिंग्स के अंदर, ठीक है। उसको स्प्रेड कर दिया जाता है जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पे, और हम उसको कवर कर देते हैं, फिर पार्क वगैरह कुछ भी हम उसके ऊपर बना सकते हैं, बट कोई बिल्डिंग क्रिएट नहीं करते वहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। पार्क्स बन सकता है, प्लेग्राउंड बन सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर क्या आता है हमारा, कि इसमें हम यूज़ करते हैं एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक इसका मतलब यहाँ पे एरियोबिक रेस्पिरेशन चलेगी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की। एरियोबिक रेस्पिरेशन जब चलती है तो वहाँ पे बनते हैं फ्लॉक्स। ये टर्म आपने नहीं पढ़ी होगी अब तक, फ्लॉक्स बनते हैं। फ्लॉक्स क्या होते हैं, कि जो बैक्टीरिया, जैसे ये बैक्टीरिया उसके अंदर पड़े हुए कई सारे, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, कलेक्टिवली एक मास बना लेंगे अपना, इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होने के लिए इसके अंदर कुछ फंगल फिलामेंट्स, देखो मैंने लिखा हुआ है साइड में, कि स्लाइम फंगल्स या फंगल फिलामेंट्स जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं मैश फॉर्म के अंदर, यानी कि उलझे हुए होते हैं, ठीक है। ये माइक्रोब्स जितने ज़्यादा ग्रो करेंगे उतना ही ज़्यादा
जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि जो वाटर है वो डर्टी है, प्योर वाटर नहीं है। तो इसको लेके हम लोग यहाँ पे एक नई टर्म जो है वो ड्राइव करते हैं, जिसको बोला जाता है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया इन डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ वाटर। वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है, जो टोटल अमाउंट ये किसी बैक्टीरिया को या हम लोग बोल सकते हैं माइक्रोब्स को, उसको नाम दिया जाता है BOD का। और इसको कैलकुलेट किया जाता है पर लीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेशन करके निकालने हैं फॉर द प्रैक्टिकल व्यू, तो हम पर लीटर से इसको निकालते हैं। जितनी ज़्यादा BOD हायर होगी उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन की डिजोल्व की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, लेस। तो हम बोल सकते हैं अगर BOD का लेवल हाई है तो उस लेवल के अंदर दूसरे लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो इजीली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा कि जो BOD है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको फिल्टर किया, फिल्टर करके आगे पास कर दिया, यानी कि एफ्लुएंट को पास कर रहे हैं हम लोग आगे। वो एफ्लुएंट जो है उसका हम पूरा का पूरा जो पार्ट है वो पास नहीं करते। जैसे हमने कर्ड का कहा कि हम कुछ कर्ड बचा के रखते हैं एज अ स्टार्टर, तो उस प्रीवियस टैंक के अंदर जो एरिएशन टैंक था उसमें जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज है उसका कुछ पार्ट हम उसके अंदर रख लेते हैं, जो किसकी तरह बिहेव करता है एज अ इनोकुलम, हम उसको रख लेते हैं। उसके बाद एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे वो बैक्टीरिया यूज़ करेंगे जो एनएरोबिक कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, जब हम उनको डालेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि वो लॉट ऑफ गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है उसका कंटेंट आपको पता है कैसा होता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का आपको पता है कि इसकी स्मेल कैसी होती है, रॉटन एग, सड़े अंडे की जैसे होती है इसकी। ठीक है, बहुत ही गंदी स्मेल होती है। ठीक है, उसके बाद इफ्लुएंट को जो पास हो गया यानी कि वाटर फिल्ट्रेट कर दिया, उसके लास्ट में हम इनको जो है क्लोरीन से भी ट्रीट कराते हैं। क्लोरीन से ट्रीट कराते हैं तो उससे क्या होता है कि बेसिकली जो उसके अंदर स्मेल जो है इन सभी गैसेस की वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये हम इसके अंदर जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बायोगैस, कि बायोगैस प्रोडक्शन कैसे होती है। बायोगैस की मेन गैस जो होती है वो क्या होती है, हमारी मीथेन होती है। और मीथेन जो होती है बेसिकली वो 50-70% है। वो बैक्टीरिया जो बायोगैस को प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करवाते हैं, हम उनको बोलते हैं मिथेनोजन्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करती हूँ, ये देखिए मिथेनोजन्स, हम उनको नाम देते हैं मिथेनोजन्स। ठीक है, मिथेनोजन्स होते हैं, ये वो पर्टिकुलर ग्रुप है बैक्टीरियाज का जो मिथेन प्रोड्यूस करता है, इसलिए मिथेनो बैक्टीरियम भी हम इसको नाम देते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो सेलुलर मटेरियल है यानी कि वो मटेरियल जिसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक करते हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद देखिए कि ये जो है बेसिकली होता क्या क्या है कि एनएरोबिक स्लज जो होता है उसके ट्रीटमेंट बनाते हैं। एनएरोबिक किस लिए, क्योंकि हम उसके अंदर ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, दूसरा हम इसके अंदर काउडंग का यूज़ करते हैं यानी कि एनिमल वेस्ट का यूज़ करते हैं। तो एनिमल वेस्ट आपको पता है कि एनिमल के जो बॉडी है उसके अंदर एक रूमेन पार्ट होता है उनके स्टमक के अंदर, जिसमें उनका जो फूड होता है वो जो टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर स्टोर होता है, बाद में उसके अंदर जो है वो नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करता है उनको। लोअर क्लासेस में कराया आपने ऑलरेडी। उसके अलावा अगर किसी भी पर्सन को एक बायोगैस प्लांट लगाना है तो वो अपनी मर्जी से नहीं लगाता। ठीक है, उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कि भाई कैसे लगाना है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज के अंदर हमें यूज़ करनी है, ठीक है, जो पिट होना चाहिए वो कितनी डेप्थ का होना चाहिए, उसके अंदर हमें जो दो पार्ट्स यूज़ करने हैं, एक तो मिक्सर जिसके ऊपर हमें स्लज सारे का सारा मटेरियल डालना है, दूसरा जो वेस्ट स्लज है जो कि बाहर निकालना है, डाइजेस्टर जो होगा हमारा वो कितना होना चाहिए। तो उसके लिए हमारी जो ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और दूसरा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये दोनों हेल्प कराते हैं उस पर्सन को कि कैसे उसको इस्टेब्लिश करना है। अब ये देखिए इसके अंदर हमने ट्रीटमेंट देखते हैं, हमने क्या किया यहाँ पे, हमारा ये मिक्सर का पॉइंट है, इसके अंदर हमने क्या किया, काउडंग है, बफेलो डंग, जो भी हमारे पास एनिमल है हमने उनके डंग को प्लस वाटर के साथ क्या करिए उसके अंदर ऐड कर दिया।
अब हमारा जो कंक्रीट का टैंक बना डाइजेस्टर, हमने जिसको नाम दिया, ये 10 to 15 फीट का डेप्थ इसकी जो है होनी चाहिए। हम इसके अंदर ऐड करते रहते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, और इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मंथ के लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 to 6 मंथ अगर हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं तो इसके अंदर मीथेन गैस की प्रोडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, ये पार्टीशन हमने बनाया कि ओवर हो जाएगा, यहाँ पे न्यू ऐड होगा, ये ओल्ड जो है यहाँ से पास आउट हो जाएगा। ये ओल्ड जो है, ये ओल्ड बाहर पास आउट होता है एज अ फॉर्म ऑफ स्लज, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ मैन्यूर। ये जो स्लज होती है, ठीक है, जिसको आप लोगों ने लोअर क्लासेस के अंदर किया होगा कि दिस इज़ कॉल्ड एज द स्लरी, ठीक है, ये स्लरी यूज़ होती है एज ए फर्टिलाइज़र, ठीक है, यानी कि नेचुरल फर्टिलाइज़र के फॉर्म में हम इसको, नेचुरल मैन्योर के फॉर्म में हम इसको जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, इस गैस के लिए हमारे पास यहाँ पे देखो ये एक टैंक है, यहाँ से पाइप के थ्रू इसको यूज़ कर रहे हैं, गैस इसमें से पास आउट हो रही है, और ये जो गैस है बायोगैस, इसको हम कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, वो नेक्स्ट हमारा जो आता है इसके अंदर, वो हमारा पॉइंट है माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट में हम कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो पेस्ट हैं हम उनको जो है बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है, जो पेस्ट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। इसके एडवांटेज क्या हैं, एक तो हमें कोई केमिकल यूज़ नहीं करना पड़ता, ठीक है, अगर केमिकल के लिए अगर बात करें तो कोई केमिकल यूज़ नहीं करना, केमिकल यूज़ नहीं करेंगे तो कोई इन्वायरमेंट के ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जो वीडिसाइड्स हैं, जो हार्मफुल वीड्स को हम लोग किल करने के लिए यूज़ करते हैं, उनका कोई इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होता। दूसरा, ये एक अप्रोच प्रोवाइड करता है हम लोगों को किसके लिए, फॉर द ऑर्गेनिक फार्मर्स, ठीक है, जो ऑर्गेनिक फार्मर्स है जहाँ पे हम लोग जो है इसको यूज़ नहीं करते हैं केमिकल्स वगैरह को, तो हम इसके लिए जो है इसमें यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक फार्म में, कि एक ही जगह पे हम लोग किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का जो है ग्रोथ करवा सकते हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया। उसके अलावा देखो क्या हो जाएगा इसके अंदर, कंप्लीट द रिडक्शन ऑफ पेस्ट इज अनडिजायरेबल, पूरी तरीके से हम लोग जो पेस्ट है उनको ख़त्म नहीं कर सकते, बट एक बेनिफिशरी यूज़ में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि हम उसको एक अल्टरनेट फूड प्रोवाइड कर दें जिससे कि इकोसिस्टम जो है वो भी हमारा डिस्टर्ब नहीं होता। बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं वो एक तो जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनका जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और बेसिकली हम लोग किसके थ्रू यूज़ करते हैं, अगर हम कोई भी पेस्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो क्रॉप फील्ड है वो कैसा है, बायोलॉजिकल फार्मिंग हम इसको नाम देते हैं कि क्रॉप फील्ड कैसी है वो पता होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से पेस्ट ग्रो हो रहे हैं हमारे, ठीक है, उनको स्टॉप करने के लिए कौन से नॉर्मल जो एजेंट्स हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, कौन से यूज़ कर सकते हैं वो इसके अंदर हमें मालूम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके एग्जांपल्स में है, जैसे लेडी बर्ड है, ड्रैगन फ्लाई है, ठीक है, लेडी बर्ड ड्रैगन फ्लाई जो है इनका नॉर्मली यूज़ करते हैं एफिड्स और मॉस्किटोज को किल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि बैक्टीरिया है, जैसे बैसिलस सीरोजिनस, ये बैक्टीरिया जो है जिसको बीटी बैक्टीरिया का नाम हम लोग देते हैं, ये यूज़ करता है बटरफ्लाई के कैटरपिलर को, ठीक है। बटरफ्लाई के कैटरपिलर को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको, कि हम पहले क्या करते हैं कि इसके ड्राई स्पोर्स बना लेते हैं, पहले स्पोर फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, ड्राई स्पोर्स हमने रिजर्व कर लिया, इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, फिर वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड करके फिर हमारा जो कॉटन है, ठीक है, यानी कि जब हमारे कॉटन के प्लांट के अंदर जब बडिंग स्टार्ट होती है स्पेशली, ठीक है, सॉरी बडिंग यहाँ पे वो वाली बडिंग नहीं, यहाँ पे बडिंग का मतलब है कि जब बर्ड्स अराइज हो रही हैं, ठीक है, बर्ड्स कौन सी, फ्लावर बर्ड्स, ठीक है, फ्लावर बर्ड्स जब उसके अंदर अराइज होनी स्टार्ट होती है, तब इसका एक सॉल्यूशन बना के हम क्या करते हैं, पूरे उस एरिया के ऊपर स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। ये इसके अलावा ब्रासिका, हमारी सरसों की जो क्रॉप होती है, हम उसके ऊपर भी इसको यूज़ करते हैं। जैसे ही इंसेक्ट जो है, ठीक है, जो हमारी बटरफ्लाई है, जैसे ही वो इसको यूज़ करेगी, ये उसकी, ये एक रफ सा डायग्राम ले लेते हैं हम लोग, कि जो बटरफ्लाई हैं उनकी ये होती है प्रोबोसिस, जिससे कि वो सक करते हैं किसी भी चीज़ को, अंदर गया, साथ में क्या जा रहा है हमारा, बीटी भी अंदर चला गया, ठीक है, बीटी अंदर गया, उसके गट के अंदर एंट्री करी, और गट के अंदर वो एल्कलाइन मीडियम,
यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम क्रिएट करेगा और उसकी जो गट के सेल हैं उनको ब्रस्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो जो फाइनली जो बटरफ्लाई उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। यहाँ पे गट को ब्रेक करने के लिए ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं क्राय प्रोटीन, रोना नहीं है, ठीक है, क्राय प्रोटीन। ये पर्टिकुलर प्रोटीन है जो बीटी कॉटन प्रोड्यूस करवाता है। ये किसको रुला रहा है, उस बेचारी बटरफ्लाई को रुला रहा है जिसने इसको लिया, ठीक है। खाने के बाद वो सोचे कि मैंने क्यों खाया, मैं तो मर रही हूँ इससे। तो ये क्राय प्रोटीन याद रखना है, इसको क्राय प्रोटीन को हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद एक और इसके अंदर आता है हमारा ट्रैकोडर्म स्पीशी। ट्रैकोडर्म जो स्पीशी है फ्री लिविंग फंगी की है, ठीक है। ये प्रेजेंट होती है बेसिकली रूट के साथ, जहाँ पे रूट इकोसिस्टम वर्क करता है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा बैकुलोवायरस। बैकुलोवायरस जो है ये इंसेक्ट जो और स्मॉल अर्थ्रोपोड्स हम लोग बोल सकते हैं, इंसेक्ट के अलावा बाकी जो अर्थ्रोपोडा की कैटेगरी है, जो अटैक करती है हमारी रूट्स के ऊपर, प्लांट की रूट्स के ऊपर, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें यूज़ के लिए हम जो बेसिकली यूज़ करते हैं वो है हमारा जो जीनस जिसे बिलोंग करता है वो है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, ठीक है। इसकी एक स्पेसिफिसिटी है कि ये नैरो स्पेक्ट्रम है, यानी कि जिसके ऊपर अटैक करना उस पर करेगा, दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है। ऐसे जो हमारे जो ये बायोकंट्रोल मेथड्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं जो दूसरे के ऊपर अफेक्ट नहीं करता, हम उनको बोलते हैं स्पीशी स्पेसिफिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। उसके बाद देखें नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर हमारा कि ये दूसरे जो मैंने बोला कि स्पीशी स्पेसिफिक हैं, तो इसका मतलब ये सिर्फ उस पर्टिकुलर इंसेक्ट को हार्म करेंगे, प्लांट्स को, मैमल्स को, बर्ड्स को, फिशेस को, और किसी को भी हार्म ये नहीं करते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इसके वजह से एक मैनेजमेंट बनता है जिसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर क्या होगा कि जो इंसेक्ट है, ठीक है, एक इंसेक्ट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, यानी कि जो टारगेट इंसेक्ट है उसके ऊपर तो नेगेटिव इफेक्ट है, बट नॉन टारगेट जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो आ जाएगा हमारा वो है एज अ बायो फर्टिलाइज़र, जो मैंने कहा था कि फर्टिलाइज़र के फॉर्म में भी हम लोग जो हैं यूज़ करते हैं इनको। तो फर्टिलाइज़र के लिए लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सॉरी लोअर क्लासेस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, किसका नाम पढ़ा हुआ है, राइजोबियम का कर रखा है, ठीक है। राइजोबियम जो है ये क्या है, हमारा बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, इसको हम यूज़ करेंगे किसके लिए, एज अ बायो फर्टिलाइज़र। राइजोबियम किस रिलेशनशिप में रहता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ कि दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट है। ये किस में रहता है, हमारे लेज्यूम प्लांट के अंदर, ठीक है। लेज्यूम प्लांट को बेनिफिट है कि उसको नाइट्रोजन मिल रही है, इसको बेनिफिट है कि इसको शेल्टर मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा और भी हैं हमारे, जैसे एजो स्पिरिलम है, एजोटोबैक्टर है, ठीक है। ये दोनों कैटेगरी क्या करती हैं हमारी, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं जो जो हमारी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लेजुमिनस प्लांट के अलावा अगर कोई प्लांट है जिसको नीड होती है इसकी, तो एजोस्पिरिलम और एजोटोबैक्टर जो है वो यूज़ करेगा। उसके बाद हम ये बोलते हैं कि फंगी जो है वो भी यूज़ होती है, ठीक है, फंगी एज अ बायो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि जो फंगस होती है जब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है विद हायर प्लांट, तो एक रिलेशनशिप बनाती है जिसको नाम दिया जाता है माइकोराइज़ा। ये 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने किया था माइकोराइज़ा, और ये एग्जांपल अगर हम लोग करें तो ये आता है कि इसके अंदर हमारा जो ग्लोमस प्लांट जो है उसके अंदर हम इसका देखते हैं कि ये स्पेशल आता है इसके अंदर, तो ये माइकोराइज़ा शो करता है ग्लोमस के साथ। तो इसमें क्या होता है कि जो फंगल के हाइफे जो हैं, ठीक है, फंगल के हाइफे क्या करेंगे कि अगर ये प्लांट की सपोज़ ये रूट्स हैं उसकी, तो इसके हाइफे इनके अंदर एंटर कर जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर एंटर करके फिर वो क्या करेंगे, इसके अंदर उनको क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है, ठीक है। तो वो तो फूड ले रहे हैं, बट ये क्या करवा रहे हैं, उनको फूड ले रहे हैं, मेन कॉमन अमाउंट की फूड लेते हैं वो, ठीक है। दूसरा इनको क्या बेनिफिट हो रहा है, इनको क्या बेनिफिट हो रहा है बेसिकली यहाँ पे, कि इनका मतलब यहाँ पे रूट को क्या बेनिफिट हो रहा है। एक तो रूट वो सॉल्टी एरिया के अंदर है, ठीक है, तो सॉल्टी एरिया में तो वाटर सैलिनिटी होगी, तो ये प्योर वाटर जो होता है ये प्लांट को जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं।
दूसरी जो रूट बॉर्न जो डिजीज़ हैं, यानी कि जो पैथोजन जो रूट बॉर्न है, जो रूट के ऊपर अटैक करेंगे, उनसे इनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ करवाने में, उसकी डेवलपमेंट करवाने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा इसी के अंदर, वो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिस को हम कैसे यूज़ करते हैं, ये क्या होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। कॉमनली पता है कि हम इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इनके अंदर कैपेसिटी कौन सी होती है, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी तो ये क्या कर सकते हैं कि ये नॉर्मली सनलाइट को ऑटोमेटिकली फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी कौन सी होती है, नॉस्टॉक, एनाबीना और ऑसिलेटोरिया, ठीक है, ये कॉमन है जो हम स्टडी करते आ रहे हैं। इसके अलावा और भी इसके अंदर होती हैं, तो इनको हम यूज़ करते हैं। स्पेशली किसके अंदर यूज़ किया जाता है इनको, इन द पैडी फील्ड। पैडी फील्ड में सबसे ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता है, वहाँ पे ऐसे बायोफर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। इनका भी वही बेनिफिट क्या हो जाएगा, एक तो फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो रही है सॉइल की। और दूसरा क्या हो जाएगा, जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, ठीक है, हम उनका यूज़ कम करेंगे। तो यानी कि हमारे जो बायो कंट्रोल्स का है, बायो कंट्रोल में हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र का जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनका यूज़ हमने क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर जो है ये टोटली फिनिश, ठीक है। तो गो ऑन रिवाइजिंग इट। थैंक यू।